हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन गोडैडी होस्टिंग सर्वर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग गोडैडी से परचेस वगैरह कर लेना, डोमेन परचेस कर सकते हो, होस्टिंग भी परचेस कर सकते हो। होस्टिंग परचेस करना ही होगा, उसके बाद आप लोग सी पैनल मिलेगा, सी पैनल के बाद आप लोग डेटाबेस वगैरह कर सकते हो। तो परचेस करने के बाद आप लोग को एक यूज़र नेम आपके पास रहेगा, उसके बाद एक पासवर्ड भी रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग उसको एंटर करके पासवर्ड देके यहाँ पर साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करोगे हो जाएगा। उसके बाद ऐसे करके एक एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका एक नेम दिखे, आपका नेम दिखेगा। उस नेम के बाजू में देखो एक एरो आइकॉन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अकाउंट्स के अंदर माई प्रोडक्ट्स बोल के एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट पेज में क्या है, माई प्रोडक्ट्स। तो आप लोग गोडैडी से जो जो प्रोडक्ट्स परचेस करोगे तो यहाँ पर वो दिखाता है। तो यहाँ से मैंने डोमेन परचेस किया था तो डोमेन वगैरह यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो यहाँ पर दिख रहा है, वेबसाइट प्लस मार्केटिंग तो यहाँ पर दिख रहा है, वेब होस्टिंग, होस्टिंग भी परचेस किया था तो यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग सी पैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो मैनेज ऑल बोल के एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। कहाँ पर, वेब होस्टिंग के अंदर जो मैनेज ऑल दिख रहा है इसके ऊपर ही क्लिक करना है। ठीक है, चलो करते हैं। नेक्स्ट एक इंटरफेस आ गया होस्टिंग। ठीक है, तो मैंने एक डोमेन परचेस किए थे और उस होस्टिंग से इस डोमेन को पॉइंट करके रखे थे। उसके बाद देखो प्रोडक्ट के नीचे सी पैनल का, सी पैनल बोल के एक बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, सी पैनल ओपन होगा। तो इसके पहले और भी एक स्टेप है, तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड हम लोग को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर सी पैनल एडमिन, ठीक है, इस बटन के ऊपर हम लोग को क्लिक करना है और सी पैनल के लिए। तो देखो सक्सेसफुली सी पैनल ओपन हो गया। तो ये हो गया हम लोग का सी पैनल का ओरिजिनल इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखो डेटाबेस सेक्शन के अंदर पी एच पी माई एडमिन माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस विजार्ड रिमोट माई एसक्यूएल। तो हम लोग न्यू एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेसेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। न्यू नेम देना होगा, चलो देते हैं हम लोग डी बी अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर ऐप। ठीक है, वर्ड डेटाबेस का नाम डाले हैं, अभी हम लोग क्रिएट डेटाबेस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे फॉर क्रिएट न्यू डेटाबेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एडेड द डेटाबेस वर्ड अंडरस्कोर डी बी अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर ऐप बोल के एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग गो बैक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस यहाँ पर देखो दिख रहा है डी बी अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर ऐप। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग एक यूज़र भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पर देखो माई एसक्यूएल यूज़र एड न्यू यूज़र, तो यूज़र के नाम हम लोग देते हैं वर्ड यूज़र दे देते हैं, इसका पासवर्ड भी हम लोग डाल देते हैं। ओके, इगिन पासवर्ड डालना होगा। ओके, तो यूज़र नाम नेम डाल दिया, पासवर्ड भी हम लोग दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्रिएट यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करना है। डेटाबेस कैन नॉट बी एडेड बिकॉज द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। वर्ड ऐप यूजर ओके भाई क्या बोल रहे
है ओके चलो। उसके बाद हम लोग क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड यूजर नेम्ड व्हाट ऐप यूजर, ठीक है। उसके बाद गो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हो गया। अभी हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो एड यूजर टू डेटाबेस। तो यूजर जो यूजर क्रिएट किया है और डेटाबेस क्रिएट किया है उस यूजर के यूजर को हम लोग परमिशन दे देंगे जो तुम इस डेटाबेस के अंदर ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सर यूजर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो अभी क्रिएट किया है, और यहाँ से हम लोग डेटाबेस भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑल प्रिविलेज, ऑल प्रिविलेज देने से क्या होगा, देखो ऑल्टर कर सकते हैं वो वाला यूजर, ऑल्टर कर सकते हैं इस डेटाबेस में, क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा कुछ चीज है। तो इसको ऑल प्रिविलेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेक चेंजेस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया प्रिविलेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग गो बैक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हो गया। अभी हम लोग फिर से बैक करेंगे, सॉरी इस डॉट इसके ऊपर क्लिक करो, नाइन डॉट के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेटाबेसेस के अंदर पीएचपी माय एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे। पीएचपी माय एडमिन के ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी देखो हम लोग जो डेटाबेस क्रिएट किया था ना यहाँ पर वर्ड डीबी अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर ऐप, तो यहाँ पर देखो वो वाला डेटाबेस दिख रहा है। इसके अंदर अभी कोई भी टेबल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, चलो एक टेबल भी क्रिएट कर देते हैं, स्टूडेंट और इसका नंबर ऑफ कॉलम 4 ही रखते हैं, ठीक है। और गो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसका आईडी देते हैं इसको इंटीजर प्राइमरी ओ गो एआई, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होगा। नेम हम लोग डाल देते हैं कवहरकर 255, चलो। उसके बाद हम लोग ईमेल आईडी डालते हैं जो भैरकर ही रहेगा 255, यहाँ पर एड्रेस चलो दे देते हैं भैरकर 255। उसके बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पर डेटाबेस भी सॉरी एक टेबल भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक टेबल भी क्रिएट हो गया यहाँ पर, ओके ओके दैट्स इट। टाटा बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।